क्या आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं पर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे आप जहां मन चाहे वहां घूम सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप महीने के 30 से 40 हज़ार तक कमा सकते हैं। और अगर आप एक ट्रैवलर नहीं हैं और आप इस वीडियो पे आ चुके हैं और आपको भी पैसे कमाने हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एट दी एंड पैसा तो सबको चाहिए, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो चाहे वो किसी और चीज़ के लिए हो। मैं इस वीडियो में आपको पैसिव इनकम के आइडियाज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसमें एक्टिव इनकम के आइडियाज़ बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी पैसे कमा सकें। अगर आपको पैसिव इनकम नहीं पता है तो पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो कि आप एक बार करें और आपको रिवॉर्ड्स बार बार उसके मिलते रहें, लेकिन इसमें टाइम लगता है, साल डेढ़ साल दो साल का टाइम लगता है। तो मैं इसलिए ही आपको एक्टिव इनकम के आइडियाज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कौन से तरीके हैं जिससे हम महीने के 30 से 40 हज़ार मिनिमम कमा सकते हैं। वे नंबर वन, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप गेम्स खेलकर भी पैसे कमा सकते हैं? शायद आपको इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं वही एक एक दो दो रुपये वाली गेम्स को बताने वाला हूँ जिसको बाकी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेट पर ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपने गेम डेवलपर जो हैं वो अपने गेम्स को अपलोड करते हैं बीटा टेस्टिंग के लिए। और उसको टेस्ट करता कौन है? हम जैसे लोग। हमें वहाँ पे बस एज अ गेम टेस्टर साइन अप करना होता है और वहाँ पे जो वेबसाइट्स पे गेम्स अपलोड हुई हुई रहती हैं उनको टेस्ट करके वेबसाइट पे फीडबैक देना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक प्रोफेशनल गेमर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हाई क्लास गेम्स को भी टेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, आपके पास एक छोटा सा स्मार्टफोन है, तब भी आप एंड्रॉयड गेम्स को टेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। आप इसको playtestcloud.com, gametester.net पर जाके रजिस्टर करके वहाँ पर उन गेम्स को टेस्ट करके पैसे अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक घंटे गेम टेस्टिंग के लिए लगभग 10,000 तक भी वेबसाइट्स देते हैं, लेकिन अपना नसीब उतना तगड़ा नहीं है, शायद इतना ना मिल पाए हमें, लेकिन 1,000 तो मिल ही सकता है ना। तो 1,000 भी अगर एक दिन का मिलता है, एक घंटे का, तो 30 दिन में आप 30,000 तक कमा रहे होंगे। अगर आप 2 घंटा मेहनत कर देते हैं, 3 घंटा मेहनत कर देते हैं, तो आप 60,000 to 70,000 ईजिली कमा रहे होंगे। तो जाइए इन वेबसाइट्स पे, मैं इन वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। वे नंबर टू, पैसे कमाने का जो तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ऐसा काम है जिसमें आप सभी एक्सपर्ट हो, जो कि है ट्रांसक्राइबिंग का काम। अगर आपको पता नहीं है कि ट्रांसक्राइबिंग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक ऑडियो फाइल या फिर वीडियो फाइल मिलती है जिसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना रहता है। साथ ही इसमें बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हम जैसे, जो कि अपने कैप्शंस लिखते हैं, आपको जो कैप्शन दिख रहे होंगे वो कैप्शन लिखने के लिए आपको ये पे करते हैं। जो कैप्शन लिखे जाते हैं वो हिंदी, मराठी, बंगाली, जिस भी लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएटर चाहता है वो लिखवाता है। तो आप भी जिस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं उस तरह से उस काम को कर सकते हैं। इसमें एक और काम है जो कि है ट्रांसलेटर का, आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ई बुक्स, अपने स्टोरीज़ लिखते हैं और वो चाहते हैं कि वो ग्रेटर ऑडियंस तक पहुँचे, लेकिन क्या होता है कि उनको सारे लैंग्वेजेस के तो नॉलेज नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, हम जैसे लोकल लैंग्वेज के जानकारों को खोजते हैं, जो कि एक कोई मराठी हो सकता है, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इन किसी भी लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हो आप, तो आप इस काम को कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई आपको डिग्री नहीं मांगता, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगते, आप बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी इन कामों को कर सकते हैं। और इस काम को करने का, एक घंटे का कोई काम है मान लीजिए आपके पास, तो उसको करने के लिए 2,000 से 2,500 तक भी पे करते हैं। तो आप एट दी एंड मंथ के एंड तक मिनिमम 30,000 to 40,000 कमा रहे होंगे अगर आप एक अच्छे किसी भी लैंग्वेज के जानकार हैं। तो वे नंबर थ्री, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो हो सकता है कि आपको फ़ोटोज़ खींचने में भी मज़ा आता हो, आप जहाँ जाते होंगे फ़ोटोज़ क्लिक करते होंगे, तो आप उन फ़ोटोज़ को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। हम फालतू में अपने फ़ोटोज़ को फ़ोन में रखते हैं जिससे हमको कुछ नहीं मिलता है, लास्ट में क्या होता है 10 फोटो में से हम 8 फोटो डिलीट कर देते हैं, 2 फोटोज़ बच जाते हैं, लेकिन हम उन 10 के 10 फोटोज़ को सेल कर देंगे।
कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम फोटोज़ को सेल कर सकते हैं, जो कि है शटरस्टॉक, एडोब स्टॉक, अलामी, 500px.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम फोटोज़ को सेल कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास एक DSLR होना चाहिए, उससे आप क्लिक किए फ़ोटोज़ को डालेंगे तभी बिकेगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्मार्टफोन से अच्छे फ़ोटोज़ खींच लेते हैं तो वो भी ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं, लोग खरीदते हैं, जेन्युइनली लोग खरीदते हैं उसको, तभी ये वेबसाइट्स चल रही हैं। और अगर आपके फ़ोन में अभी के अभी कुछ भी फ़ोटोज़ हैं, जाइए इन वेबसाइट्स पे डालिए, जैसे ही लोग कोई भी आपका डाउनलोड करेगा फ़ोटो को तो आपको पैसे मिलेंगे। हो सकता है शुरू में ना मिले, शुरू में कोई डाउनलोड ना करे, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोफाइल पे फ़ोटोज़ बढ़ती जाएंगी, ग्रेटर चांस होगा कि आप पैसे कमा रहे होंगे और बहुत जल्दी आप कमाना स्टार्ट कर देंगे। आप महीने के इससे 60-70,000 ईजिली कमा सकते हैं, इतना नहीं तो 30-40 तो आराम से आप इजी आराम से आप अचीव कर सकते हैं। सो यही थे वो तरीके जिससे आप मंथली 30-40,000 ईजिली कमा सकते हैं और आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस को डालता हूँ, मैं हर एक चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि एज अ टूरिस्ट आपको ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक वह नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ सेव द अर्थ। एज अ ट्रैवलर हमें सबसे ज़्यादा चिंता होनी चाहिए इस प्लेनेट को बचाने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में ही सब कुछ रखा हुआ है।